हाँ बोलिए, कोई मैं व्यक्तिगत काम है ना तुम्हारा व्यक्तिगत। हाँ, हाँ, बोलिए। सरकार का काम है। कौन सरकार? सरकार क्या है? सरकार बोल सरकार आदिवासी पावर इच्छे कहला आदिवासी जसवा जुनून करार मानने आए। इच्छे आज हमने के यूज करे का है। आज हमने के बाप दादा के पुरखा पुरखा जो उन्होंने चल क्या है पंचायत के जो उन्होंने संविधान नियम नीति उनका आज हमने के जाने जरूरी है। तब जाएगा हमने भी ऐसने डोम से आदिवासी पावर में आए कि नहीं काम मान के करे पर बोई वरना हाथ में हाथ धर के बैठ रह बोई तो हमने के ऊपर में सरकार अत्याचार चलाते रही जखन कि हमने इस वीडियो के माध्यम से जाने के लगी पाई रही। रावण का सोचो था का हाथ में हाथ धर के बैठ के रहें हमने के काम हो जाए? बिल्कुल नहीं। आज हमने के सब कुछ झमेला अगर कोनो प्रॉब्लम सॉल्व करे का है हमने खुद के करे का है गाइस। जोहार गाइस, आज के अगर इस वीडियो ना देखा तो का वीडियो देखा? आज की इस वीडियो के अगर स्किप करके जब तो रावण कहा जाने पड़वा इस वीडियो के अगर राव और आदिवासी है का तो जरूर से आखिर तक देखबा कल की। आज हमने के सिस्टम इतना ही खराब है कि हमने के ऊपर में सरकार राज करेला, हमने के ऊपर में पुलिस प्रशासन राज करेला, हमने के आदिवासी के नाम से हमने के दबाई के रखल जाएला और हमने वहाँ से डायर के भाग जाए के जरूरत है। कल कल हमने की संविधान पढ़े के हमने के नॉलेज रखे हमने के ज्ञान रखे उसके वजह से हमने के ऊपर में बहुत दबाव आएला। पंचायत नो की लगे पंचायत के मतलब ही क्या लगे पंचायत में कहाँ का पावर है हमने के जादी जाने का है। हमने के हिस्ट्री पढ़े का है हमने के संविधान पढ़े के बहुत जरूरत है जखन कि हमने नहीं पढ़ के आज हमने के अवस्था ऐसा है। तो गैस ऐसा नहीं होते रही आज हमने के दिन चेंज हो जाए और जखन कि हमने के स्पेशल वीडियो में जो हमने के रावण आगे बढ़ा थोड़ा कुछ देखा उसे पूरा देख के ना रावण जाने के लेकिन पर्व और इस वीडियो के मतलब है कि आदिवासी पावर आज यही पावर टू अगर हमने के बीच में नहीं रही तो आने वाला समय में हमने का अस्तित्व खत्म हो जाए और इसे हमने के राह लगी तब जाके हमने के जल जंगल जमीन बची माटी बची बाड़ी बची घर बची परिवार बची वरना सब नष्ट हो जाए गाइस। और उके एक टू झारखंड के स्पेशली वीडियो जो कि संविधान जानो या आदिवासी समाज के किसम लीडर रहन उमान इके साबित करके दिखालक और वह वीडियो हमने आज रावण के दिखा गई स्किप करके ना भगवार चैनल के सब्सक्राइब करके भी जाए के लगी रावण के। तो चलो वीडियो को देखबो और शुरू करबो अब। व्यक्तिगत काम है ना तुम्हारा व्यक्तिगत? हाँ, बोलिए। सरकार का काम है। कौन सरकार? सरकार क्या है? सरकार बोल सरकार बिना परमिशन के
कोई गलत हरकत नहीं करेगा। हम संविधान से लड़े, संविधान को जानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग, सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले लोग हैं। इनके बाप का जमीन नहीं है, हमारे बाप का जमीन है। हमारा जमीन नहीं है, पुरखों का जमीन है। हमारा बाप जमीन इसलिए देके गए कि हमारे आने वाली पीढ़ी को, और तुम हमारी जमीन पे बांध बनाओगे? बिना कानून कानून पढ़ के आई हो, और ये अनुसूचित क्षेत्र है, और ये नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ का क्षेत्र है, और यहाँ पर बिना यात्रा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्टर कलेक्टर, पुलिस प्रशासन में नहीं घुस सकता। और ये सब असंवैधानिक तरीके से घुस रहे हैं आप लोग। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो सर्वे हो रहा है, इससे व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, शांति व्यवस्था भंग हो रही है। आपका काम है आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष समानता देना। तो आप वो करिए, इनको बोलिए कि आप विधिवत पूर्वक यहाँ से चले जाइए। हमको यहाँ किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहिए, ना ही किसी तरह की शांति व्यवस्था भंग चाहिए। अभी डैम नहीं बन रहा है यार यहाँ। सर्वे करना है नहीं करना हम तय करेंगे। ये कौन होते हैं जी हमारी जमीन का सर्वे करने वाले? आप उसके लिए एसडीएम से कलेक्टर साहब क्यों भाई? एसडीएम कलेक्टर के पास क्यों जाए? उनके बाप का जमीन थोड़ी ना है, ये हमारा जमीन है। और हमारे लिए आदेश कौन देता है? डैम का आदेश किसको? कोई देना हमको, उससे मतलब थोड़ी ना है। आप कलेक्टर साहब से क्यों जाए जी? क्यों जाएंगे? कलेक्टर कौन है? हमको नहीं जाना ना, हमारा यहाँ हम कलेक्टर के पास क्यों जाए? अगर उनको दिक्कत है वो आ जाए। हम कलेक्टर का बाप का जमीन थोड़ना ही है। हमको जमीन नहीं देना, चल निकलो। अब कलेक्टर साहब से चर्चा कर लो। हम क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। आप लोग आ रहे हो, आप ही लोग आ रहे हैं। आप लोग आ रहे हैं, आप कलेक्टर बात से बोल रहे, कलेक्टर को बचवाओ। इधर व्यवस्था बनाने आए हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम कलेक्टर से क्यों बात करेंगे? हम तो इसलिए शांति से बात करने की बोल रहे हैं आप लोगों से। हम कलेक्टर के पास नहीं जाएंगे, कलेक्टर को दिक्कत है वो आए, खुद आएंगे यहाँ पे। हम उसको बोल देंगे कि हमको हमारी जमीन नहीं देनी है, वो चले जाए बिना होके। बस हम तो जब कलेक्टर को तो पता चलता होगा ना कि हम इतना दिन से विरोध कर रहे हैं, वो ग्राम सभा के माध्यम से आदेश दे रहे हैं तुमको। और ये क्षेत्र कौन सा है? अनुसूचित क्षेत्र समझिए, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ का क्षेत्र है। कानून ये पढ़े नहीं, आप पढ़े हो मुझे लगता है। ये कानून पढ़े रहते तो आते नहीं। यस है ना, तो कानून पढ़े हो तो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ किसी जज से या किसी एडवोकेट से समझ लीजिएगा एक बार, तब यहाँ पर घुसिएगा। ये नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ है, इस पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू नहीं करती। फिर तुम्हारा केंद्र सरकार, राज्य का इलेक्टर कलेक्टर फलेक्टर कुछ नहीं करेगा, समझे ना? ये नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ का क्षेत्र, ठीक है ना? और बिना इजाजत के यहाँ प्रवेश निषेध है। ये शेर का क्षेत्र है, और शेर की गुफा में घुसोगे तो पता चल जाएगा क्या होता है। फिर तो पंजा मारेगा, मारने से काम नहीं चलेगा। और पंजा तुम्हारा संवैधानिक होगा, याद रखिएगा। चलिए निकलिए, अब हो गया। चलो बस, चलो अभी बोल दिया तो फिर आ जाएंगे लोग। ठेकेदार चल, निकल ये ठेकेदार, ये सामने का ठेकेदार को निकालो यहां से। चलो उसको निकालो, ठेकेदार चल निकल। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं, इनसे क्या बात करना। तो गाइस आई होप रावण बुझे पारला कि सही में आदिवासी के पावर का है। इस वीडियो को देख के रावण के अगर जुनून आई जाए तो पंचायत में रावण राज करक परवा, पंचायत में बिना अनुमति में क्यों गांव में प्रवेश करक नहीं परी, पंचायत के अनुमति के बिने क्यों भी हमनी के ऊपर में हाथ देखना पड़ी। इके लगिन हमनी के संविधान जाने के बहुत जरूरी है गाइस, वरना हमने बुड़बके हो के रह जब। और इके तो गाइस इके से बड़ा खुशी के बात और का हो सकल आज के वीडियो में, रावण जरूर से कमेंट्स करके बताबा का ये वीडियो के सिस्टम सही है या फिर गलत है, का हमनी के ऊपर में दबाव आवेला कि ना आवेला, जनठू से हमने इनकी बचे नहीं पड़ेला। तो उसके रीजन का है हमनी के ज्ञान के कमी है, इके जाने के लगिन हमनी के संविधान देख देखे के बहुत जरूरत है। तो चलो आज के वीडियो के बस यहाँ से सिरा बोई, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिल बोई। तब तक रे चैनल सब्सक्राइब कर रखबा गाइस। जय जोहार, जय आदिवासी।